हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नाथूराम गोसे की नासमझी से भारत देश का बड़ा नुकसान हुआ, वीरेंद्र बख्शी। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। मुंबई कांग्रेस गुजराती सेल की तरफ से महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर घाटकोपर SNDT कॉलेज के सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी ने ऑनलाइन संबोधित करते हुए मोहनदास करमचंद गांधी कैसे महात्मा बनने की महत्वपूर्ण जानकारी दी। उक्त अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने कहा कि महात्मा गांधी जी की आज भी उतनी की जरूरत है जितनी उस समय थी। उक्त समारोह को संबोधित करते हुए मुंबई कांग्रेस के उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक वीरेंद्र बख्शी ने महात्मा गांधी के जीवन के बारे में संबोधित करते हुए किस तरह नाथूराम गोसे के मन में महात्मा गांधी के बारे में गलत बातें भरी गई यह समझाते हुए कहा कि जुलाई 1946 में जिन्ना ने करेंगे मरेंगे पाकिस्तान लेकर रहेंगे और उसका एक्शन 16 अगस्त 1946 से शुरू करेंगे और मारेंगे पिटेंगे और पाकिस्तान लेकर रहेंगे। श्री बख्शी ने फिर कहा कि उस समय नोवाखाली में हिंदुओं की माइनॉरिटी आबादी थी, उस वजह से हिंदुओं के ऊपर हमला शुरू हो गया और कलकत्ता में मुसलमानों के ऊपर हमला शुरू हो गया। गांधी जी सब छोड़ छाड़ कर पहले कलकत्ता पहुंचे, फिर नोवाखाली पहुंच गए। नोवाखाली में महात्मा गांधी ने 4 महीने लगाए जब तक सभी हिंदुओं को सुरक्षित नहीं कर दिया। वीरेंद्र बख्शी ने फिर कहा कि हिंदुत्व की बात करने वाले वाजपेयी हो, आडवाणी हो या फिर श्याम प्रसाद मुखर्जी, यह कट्टरवादी नेता हिंदुओं को बचाने क्यों नहीं गए, लेकिन गांधी जी उस जलती हुई आग में अकेले ही कूद पड़े। इसके बारे में विस्तार में बख्शी जी को सुनिए। तो जब ये डायरेक्ट एक्शन की कॉल हुई, इस वर्ड ये वर्ड वापस गया था डायरेक्ट एक्शन 16 अगस्त। छोटा सा उदाहरण, कलकत्ता के अंदर मीटिंग हुई, सारे मुस्लिम भाई एक जगह पे इकट्ठे हुए और वहां पे भड़काऊ भाषण हुए। वापस आकर उन्होंने कहा कि हिंदुओं की दुकानें जला दी, ये किया, वो नुकसान किया, सब किया, सब किया 16 तारीख को। लेकिन वहां पे तो हिंदू प्रधान ने कलकत्ता 17-18 तारीख को जब दूसरे समाज के लोगों ने सीख के बारे में सोचा, अब जब वो निकले तो उन्होंने इतना नुकसान किया कि उस वक्त फिर गांधी जी को दिल्ली छोड़ के कलकत्ता के लिए निकल जाता, पूरे हिंदुस्तान में आग नहीं फैल गई। बिहार के अंदर मुस्लिम लोगों पर अत्याचार हो रहा था और एक छोटी सी जगह का नाम है नोवाखाली, जो बांग्लादेश के अंदर है, जहां पे कि 22 लाख की आजादी में 4 लाख हिंदू और 18 लाख मुसलमान भाई, और वहां पे हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था। उस वक्त के सुहरावर्दी साहब जो कलकत्ता में बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बापू को कहा, बापू आप कुछ करिए, आइए आप इधर, आप पहले हमारे कलकत्ता को बचाइए, फिर ये देखिए नोवाखाली में क्या हो रहा है, जंगल नोवाखाली का। बापू गए कलकत्ता में, शांति पैदा की और फिर निकले नोवाखाली के लिए। नोवाखाली में महात्मा गांधी जी पहुंचे नवंबर के शुरू 1946। जैसे ही नोवाखाली के अंदर उन्होंने एंटर किया, जो पहले शहर में गए, जो वहां का सबसे बड़ा मुस्लिम भाई था उसके घर पहुंचे, और हां सबसे बड़ी बात, बापू अकेले थे, रविंद्रनाथ टैगोर के पॉइंट में उनके लिए अकेला चलो रे, अकेला चलो रे, मतलब 6-7 जने उनके संग थे खाली, बापू अकेले, लोग डरे हुए थे, वो पागल लोगों के अंदर जो कठियाम करके तलवारें नहीं लेकर घूम रहे हैं, उनके बीच में जाएगा कौन। वो बापू पहुंचा वहां पे, अपने समाज के बीच में नहीं, मुस्लिम समाज के बीच में बापू पहुंचा। जो पहली मीटिंग हुई बापू की, कम से कम 20-25 हजार लोग वहां पे, बापू ने वहां पर पूरे भाषण दिए और सीधी बात की, इस्लाम के अंदर ये कहां लिखा है, कुरान शरीफ में ये कहां लिखा है, आपने जो बातें की है ये बातें आपने गलत की है, पूरा समझाने की कोशिश की उन लोगों को। बापू जब नीचे उतरे, वो वहां के जवान सब इकट्ठे हो गए और वो मारने के मूड में थे बापू को, आप मौलाना है, आप कुरान शरीफ की बात करते हैं, आपकी हिम्मत, जब जैसे ही उन्होंने बोला हिम्मत कैसे हुई, तो वहां के जो बुजुर्ग मुस्लिम भाई थे टूट पड़े उन नौजवानों के ऊपर,
ये वो गांधी है जो कि खिलाफत मूवमेंट के अंदर मुस्लिम्स के लिए पूरे हिंदुस्तान को उसने इकट्ठा कर दिया था, मुस्लिम भाइयों की ताकत बढ़ाने के लिए, अंग्रेजों के संग लड़ने की तैयारी करने के लिए मुस्लिम भाइयों के पीछे पूरे हिंदुओं को इकट्ठा करने वाले ये महात्मा गांधी है, तुम इसको छू नहीं सकते। ये बुजुर्गों ने बुजुर्ग सारे चारों तरफ आगे जो खिलाफत मूवमेंट वाली बात थी, एक से सवाल पूछा था गांधी जी खिलाफत मूवमेंट में हिस्सा कर लिया, वो हिस्सा लिया ताकि मुस्लिम समाज भी जागृत हो के हिंदू समाज भी जागृत होकर मिल जाए इकट्ठे हो जाए। और वहां पे उसके बाद बापू रात को जहां ठहरे कुछ औरतें आई अपना रोना बताया, उन्होंने हिंदू औरतें थी उनका रोना सुन के उनकी बातें सुन के उस दिन बापू ने जो थोड़ा सा खाना खाते थे उबली हुई मूंग की दाल और खजूर और ये सब बापू से नहीं खाया। उसके बाद बापू ने अपनी जूती उतार दी नहीं पहनी, चार महीने नोआ खाली है हर छोटे शहर के अंदर गए, लॉर्ड माउंटबेटन आ चुका था, उसने अपनी वाइस सीगल कार जिस गांधी जी को साउथ अफ्रीका के अंदर मार मार के ट्रेन से निकाल दिया गया था, उस गांधी के लिए वायसराय ने अपना डब्बा उसका वाइस सीगल कार जो थी वो कलकत्ता में खड़ी कर दी, बापू जल्दी आइए हमें भारत की स्वतंत्रता के बारे में बातें करना है। बापू का एक ही मैसेज वापस जाता था, मेरा काम यहां पे है, वो पटेल और नेहरू आपके संग देखेंगे वो कर लेंगे। और बापू एक एक गांव में घूम रहे, एक एक शहर में गए। और मैं आपको समय कम इतना बताना चाहता हूं कि हिंदू औरतों ने बिंदी लगाना बंद कर दिया, हिंदू औरतों ने बिंदी लगाना बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था आप समझ गए होंगे, बापू के दो ढाई महीने के अंदर फिर जिस जगह भी बापू जाते थे तो वहां के सारे मुस्लिम भाई इकट्ठे हो जाते थे, बापू मेहरबानी करके इन औरतों को बोलो बिंदी लगाए, ये हमारी माए हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारे सब कुछ हम इनके लिए लड़ेंगे, इनको कोई छू नहीं सकता। राक्षसों को इंसान बनाने का काम किया वो महात्मा गांधी, जिनके लिए किया हिंदुओं के लिए किया, ये नाथुराम गोडसे को आज की डेट में कोई बताने वाला मिल जाए, जिन लोगों ने नाथुराम गोडसे के लिए कर वो सब चलाए हैं उनके पास से मैसेज देखिए कि नोआखाली की कहानी पढ़िए कि बापू चार महीने तक नोआखाली छोड़ के नहीं आया, मुस्लिम नौजवान इकट्ठे हो गए, बापू आपको महात्मा गांधी यहां पे आपको रहना है, बिहार के अंदर क्या हो रहा है, मुस्लिम भाइयों का कत्लेआम हो रहा है, आप क्या कर रहे हो यहां पे, आप जाओ उधर। तो गांधी जी जवाब दिया, वहां मैंने पटेल को और नेहरू को जो होम मिनिस्टर है जो प्राइम मिनिस्टर है उनको वहां पे भेजा हुआ है, और सच्ची बात है पूरे बिहार के अंदर का पूरा कत्लेआम खत्म करने के लिए सरदार पटेल और नेहरू जी हिंदुओं के बीच में जाकर पता क्या भाषा बोल रहे थे, तुम जो ये अत्याचार कर रहे हो मैं हमारा मन करता तुम्हारे ऊपर एटम बम डाल दे, ये इतना गलत काम तुम कर रहे हो, गांधी युग के अंदर तुम ये गलत चीजें कर रहे हो। ये तरीके से हिंदुस्तान को चलाने का काम गांधी जी का एक तरीका था। नेहरू और पटेल को आदेश हो गया दिल्ली में मत रहो, जब तक बिहार के अंदर का पूरा कत्लेआम बंद नहीं होता तब तक करवाने वाला कौन, जिन्ना, वो जिन्ना अपने पाकिस्तान में ख्वाब देख रहा है, ये 46-47 की बात बता रहा हूं, वो अपने पाकिस्तान का वो ख्वाब देख रहा है और यहां पे जो मौतें हो रही है जो कत्लेआम हो रहा है उसके लिए गांधी नेहरू और सरदार पटेल उसके लिए अपना पूरा जीवन दे रहे। तो ये मैं समय कम था इसके लिए डायरेक्ट पॉइंट पे आया कि यही चीज जो ये एनआरसी और ये दूसरे कानून जो हमारे ये सरकार लेके आ रही है कि एक समाज के अंदर कोई डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी के घर में भी चेकिंग करने के लिए घुस सकता है, वो डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक बात तुषार गांधी जी के सामने बोली, नसीम भाई के सामने बोलना चाहता हूं, नसीम भाई एक ही ऑपरेशन की सीट मिलेगी चलेगा, कार्यकर्ता एक ही काम
कि कैसे हर समाज को हम इकट्ठा करें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम इकट्ठा है प्यार से रहे भाई, हम अपने भारत में मजबूत भारत एक प्यार वाला भारत बनाए, उसके बाद देखी जाएगी हमें चुनाव लड़ना है, उसके बाद पार्लियामेंट जीतती है असेंबली जीतती है देखी जाएगी। लेकिन आज की परिस्थिति ये आसान परिस्थिति नहीं है, भले ही वो किसानों का दर्द हो, भले ही वो आयासी और उसके अंदर आसाम के अंदर लोगों का होने वाला दर्द हो, हुक्मरान का दिल जो है पसीज नहीं रहा, वो हुक्मरान का दिल क्यों नहीं पसीज रहा, क्योंकि वो एक राक्षस का दिल कहीं बैठा होगा, और उसका अगर आपको सामना करना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लोगों का साथ देना पड़ेगा, लोगों के अंदर जागृति पैदा करनी पड़ेगी। और मैं फिर वही बात कह रहा हूं, मैं रावलपिंडी में रहता तो शायद मैं ज्यादा बड़ी चीज बन जाता, लेकिन मेरे को छोड़ के आना पड़ा भाई, मेरा वतन मेरे को छोड़ के आना पड़ा। क्या यह परिस्थिति आप दोबारा पैदा करना चाहते हैं? क्यों नहीं हम प्यार से रह के हम देश को आगे बढ़ाने का काम करें, खुशी से रहे, खुशियां ले, खुशियां बांटे। तो ये एक कार्यकर्ता के सामने जो मैंने एक उदाहरण देने का एक काम किया है, ये उदाहरण हो सके तो जो आरएसएस के कट्टर माइंड के लोग हैं उनको एक ही बात कहना है कि नेशनल कोर्ट से तुम ये नहीं बता सकते थे कि गांधी 4 महीने पैदल चलता था, पांव के अंदर से खून निकल आता था, रात को आबा उनकी जो ग्रैंड डॉक्टर थी घी और हल्दी का लेप रोज रात को लगाती थी, घी और हल्दी का लेप, बापू उन लोगों के आंखों में आंसू आ जाते थे बापू की हालत देख के, बापू के पास कोई कार नहीं थी और बापू का एक मकसद था कि पैदल चल के सबसे बीच में मिलता जाऊं, देश का सबसे बड़ा आदमी क्या कर रहा था, लेकिन एक शांति पैदा कर रहा था, एक उदाहरण पैदा कर रहा था। फिर वो कलकत्ता हो, कहीं मुस्लिम भाई हो, कहीं हिंदू भाई हो, कहीं सिख भाई हो, इतने साउथ इंडियंस को साउथ अफ्रीका के अंदर सम्मान दिला रहा हो, सारी चीजों के अंदर महात्मा गांधी जी एक अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे थे। मैं नौकरी चटर्जी साहब, केतन शाह जी और सभी साथी, भरत भाई आपने नाम दिया अपना गुजराती सेल का, और सभी अपने सेल के कार्यकर्ताओं ने, सबका नाम भी नहीं लेता, सबने खूब मेहनत की है और अच्छे कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठे हुए, और बस ये है कि अभी हमें काम पे लगना है। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।